आज शुक्रवार है और आज जो है शहनाज का होता है हॉलीडे और वो घर से बाहर आती हैं। आज उन्होंने जो है अपने इंस्टा से लाइव किया और फैंस से बहुत सारी बातें की, लेकिन लगातार फैंस उनसे जो है सिद्धार्थ की ही बातें करते रहे और शहनाज ने बोल दिया, मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ सिद्धार्थ से, तुम लोग उसे समझाओ कि मुझसे शादी करे और मैं कर लूँगी। तो कहीं ना कहीं आज जब वो लाइव पर आई तो फैंस उनसे जो है बार बार शादी की बात करते हुए नजर आए, सिद्धार्थ के बारे में पूछते हुए नजर आए। तो क्या हुआ, क्योंकि बहुत ही बड़ा लाइव हुआ था, लेकिन मैं जो है आपको जो सिद्धार्थ के बारे में बातें हुई, सिद्धार्थ के बारे में बातें हुई, सिद्धार्थ के बारे में बातें हुई, वो सारी बातें जो है बताऊंगी कि उन्होंने लाइव पर आकर क्या बोला। उनकी शो की जो टीआरपी है वो बहुत अच्छी नहीं आई, ऐसे में जो है शहनाज इंस्टा पर आई थी और उन्होंने अपने फैंस को अपील की कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो प्लीज अपना प्यार दिखाइए, मैं 3 ही महीने तो हूँ घर के अंदर, मुझे प्यार कीजिए, मेरा शो हिट कीजिए। लेकिन जो है फैंस अपने जब सवाल पूछने लग गए तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने सिद्धार्थ के बारे में बातें की और फिर जो है वो बोलती हैं कि शहनाज है तो ही सिद्धार्थ है, वो ना होता तो मैं ये शो में, अगर वो ना होता तो मैं बिग बॉस के शो में इतनी अच्छी थोड़ी ना रहती, वो 4 दिन नहीं था तो आप लोगों ने देखा नहीं कि मैं कितनी बीमार पड़ गई, और अगर सिद्धार्थ नहीं है तो शहनाज भी नहीं है, और सिद्धार्थ खुश है तो ही शहनाज खुश है, मैं 4 दिन बीमार पड़ गई थी, अगर मैं उस शो में थी तो मुझे उस शो में इसलिए तो मज़ा आया क्योंकि सिद्धार्थ मेरे साथ थे, तो अभी जो है वो शो जो है अभी जो ये शो है मेरा लेकिन वो अलग है, तो मुझे जो है इस शो को हिट कराना है तो आप लोग जो है मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। फिर साथ में वो बोलती हैं कि मुझे मालूम है कि मेरा प्यार जो है सिद्धार्थ के लिए एक तरफा है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे मालूम है कि ये एक तरफा प्यार है लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे अटैचमेंट हो गई है, मुझे प्यार हो चुका है। तो जब उनसे पूछने लग गए लोग कि आप किसको पसंद करेंगी, तो शहनाज ने बोला कि मेरा प्यार तो एक तरफा है, मुझे जो है उनसे प्यार हो गया है सिद्धार्थ से, अब मैं क्या करूँ आप लोग बताइए, अब मैं बार बार तो नहीं कर सकती ना, लेकिन अब ये शो है, मुझे 3 महीने अंदर रहना है तो मुझे दोस्त तो बनाने पड़ेंगे ना अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बात जो है बार बार साफ करती हुई नजर आई कि मेरा जो है सिद्धार्थ के साथ अटैचमेंट है और किसी के साथ अटैचमेंट हो नहीं सकता, ऐसे में अब मैं क्या करूं आप बताइए। फिर उनसे जब पूछा गया शादी के बारे में तो वो एकदम से बोली कि आई एम रेडी बट ही इज नॉट रेडी, टेल हिम टू मैरी मी, आई एम रेडी। उन्होंने बोला कि मैं तो तैयार हूं लेकिन वो ही तैयार नहीं है, आप लोग उसको क्यों नहीं बोलते हैं, अगर वो बोलेगा तो मैं तो आज ही शादी कर लूंगी। तो एक बार फिर से शहनाज जो है इससे पहले भी बोल चुकी हैं कि वो सिद्धार्थ के साथ शादी के लिए तैयार है और आज फिर से उसी बातों को जो है रिपीट करती हुई नजर आई। इसके बाद जो है वो बोलती हैं कि मुझे सिद्धार्थ के बारे में मत पूछो बार बार, मैं क्या बताऊँ उसके बारे में, मैं आप लोग जो कहोगे मैं कर लूँगी, आपको जो पूछना है सिद्धार्थ से पूछो, मुझे जो बोलना था मैं आपको बोल चुकी हूँ, मुझसे बार बार जो है मत पूछा करो, मैं सारी चीज़ें आपके सामने रख चुकी हूँ, तो सिद्धार्थ से जाके पूछो मेरे बारे में, तो वो जो बोलेगा और आप लोग जो बोलेंगे मैं कर दूंगी, लेकिन जो है सिद्धार्थ से जाके आप लोग मेरे बारे में बात करो। तो कहीं ना कहीं वो फैंस को जहाँ इस बात की अपील करती हुई नजर आई कि मेरे शो को हिट करा दो, वहीं वो बार बार ये भी बोलती हुई नजर आई कि मुझे सिद्धार्थ से शादी जरूर करनी है लेकिन इस बात के लिए आपको सिद्धार्थ को मनाना पड़ेगा, मेरे बारे में सिद्धार्थ से जाके आप लोग पूछिए, मैं तो आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। तो आज भी लाइव चैट के दौरान वो सिद्धार्थ के बारे में खुलकर बातचीत करती हुई नजर आई और बार बार यही बोलती नजर आई कि उनके दिल में जो है कोई और जगह तब तक नहीं ले सकता जब तक उनके मन में सिद्धार्थ है, और जब उनसे पूछा गया सिद्धार्थ और शहनाज अलग है तो उन्होंने ये साफ साफ बोला कि अगर सिद्धार्थ है तो ही शहनाज है और सिद्धार्थ जो है उनके लिए हमेशा जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहेगा। तो आपको क्या लगता है, दरअसल मैंने जो है ना इस पूरे लाइव का जो है चंक भी अपने YouTube पे अपलोड की है, आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा है और बीच बीच में जहाँ जहाँ उन्होंने सिद्धार्थ के लिए जो जो बातें बोली, सिद्धार्थ के लिए जो जो बातें बोली, वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो आपको कितना पसंद है सिद्धार्थ, आप चाहते हैं कि शहनाज किसी और के साथ जोड़ी बनाए, क्योंकि मुझसे शादी करोगे में जो है वो बार बार अब फिर से क्लियर कर रही हैं कि यहाँ पे जो है मैं दोस्त बनाने आई हूँ और 3 महीने मुझे अंदर रहना है तो मुझे दोस्तों को ही बनाना ही पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं, आपने वो लाइव देखा या नहीं देखा, जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।